नमस्कार, आईटी न्यूज के सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के थ्रू आपको अपडेट रखूंगा कि आईटी में क्या हो रहा है, नया क्या हो सकता है और कब इसकी शुरुआत हुई। क्योंकि आज मेरा पहला दिन है तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ। आईआईटी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी शुरुआत हुई थी आईटी खड़गपुर से और आईटी इसलिए बनाया गया था ताकि हम लोग टेक्निकल फील्ड में भी बाकी दुनिया से कदम मिलाकर चल सके। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम लोग बहुत पिछड़ चुके थे गुलामी के कारण। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई में ही एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 22 मेंबर थे और नलिनी रंजन सरकार के अगुवाई में एक टीम उनके लीडरशिप में बनी थी और रिकमेंडेशन पे उन्हीं लोगों के आईटी की शुरुआत की गई। उसका उद्देश्य था, जो इसकी कॉपी की गई थी वो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्निकल फील्ड में काम करने वाला इंस्टीट्यूट है, उसी के तर्ज पे इसका निर्माण किया गया था। इससे पहले ये कमेटी 1946 में बनी थी, जो नलिनी रंजन सरकार थे एक बिजनेसमैन थे, कैपिटलिस्ट थे वो और इकोनॉमिस्ट थे, एक अच्छे लीडर थे, इसलिए वो हेड कर रहे थे। उन्हीं के अगुवाई में टीम का निर्माण किया गया और वो उस पर काम किए और आईटी खड़गपुर बनाया गया। पहला 1950 में बन के तैयार हो गया, वर्किंग फंक्शन में था, लेकिन ऑफिशियल इनॉग्रेशन जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। और जो कुछ भी ब्रांचेस MIT में हुआ करती थी वही सारी चीज़ें यहाँ पे लाई गई। आज के दिन टोटल ITs, नंबर ऑफ ITs 23 हैं। पूरे इंडिया में 23 ITs हैं जिसमें नंबर ऑफ सीट्स टोटल 16,500 है। आईटी के एग्ज़ाम को, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो JEE एडवांस्ड के थ्रू अब होता है, उसमें इतना टफ होता है कि लोगों ने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, ड्रैकोनियन एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ होता है पूरी दुनिया में आईटी का एग्ज़ाम। इसको क्वालिफाई करने का मतलब है आप टेक्निकली बहुत साउंड करते हैं। जो भी लोग चाहते हैं कि हम आईटी में जाएं, फिर फर्दर MIT में जाएं, उसके बाद इसरो में, DRDO में जाएं, नासा में जाएं, कहीं भी एक बड़ा जो प्रोग्राम होता है टेक्निकल फील्ड का, वो सबसे अच्छी शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। इसी के तर्ज पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा था तो ऑब्वियसली बहुत सारे कॉलेजेस को अपग्रेड किया गया। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया गया NITs। 33 ITs हैं और NITs की संख्या 31 है। हर साल अच्छे इंजीनियर्स ही दोनों मिलके बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे 12th के साथ साइंस में मैथ्स लेकर आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस फील्ड में आते हैं और अपना जॉब की गारंटी की तरह इसको लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि IIT की शुरुआत इसलिए नहीं हुई थी कि आप जाएं वहां पर और पढ़ के जॉब करने लगें, बल्कि बजाय इसके कि IIT रिसर्च के लिए बनाई गई थी। जो एम था वो, जो नलिनी रंजन सरकार, चाहे अबुल कलाम आज़ाद, चाहे जवाहरलाल नेहरू का जो विज़न था, जो समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका उद्देश्य था रिसर्च के लेवल में हमें आगे बढ़ना है। और सच में ये सही साबित भी हुआ। बहुत दिनों तक IIT में ऐसे इतने सारे रिसर्च हुए, इतने इस तरह के इन्वेंशन हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ से निकले, हमारा देश बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना। लेकिन आज के दिन जो बच्चे IIT में जाते हैं वो, उनके दिमाग में बस यही रहता है कि करोड़ों का जॉब पैकेज, प्लेसमेंट और अपने बस सेल्फ सेंट्रिक टाइप और फैमिली सेंट्रिक लाइफ के लिए सोचते हैं। तो मैं, जो भी IIT में जाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप तैयारी करें, उसमें जाएं, लेकिन आप स्टार्टअप के बारे में सोचें, रिसर्च के लिए आप और आगे बढ़ें, अब्रॉड में जाएं रिसर्च करें, यहाँ पर रहें रिसर्च करें, तो आप ज़रूर बड़े लेवल की सोच रखें IIT में जाने के बाद, ना कि आप जॉब के चक्कर में पड़े। हालांकि जॉब की गारंटी तो हो जाती है, मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों के पैकेज मिलते हैं, इंडिया में 30-40 लाख का तो बड़ी आसानी से ही मिल जाता है। तो चलिए, मैं आपको इसी तरह अपडेट रखूंगा आगे भी। थैंक यू सो मच।